उत्तराखंड एसटीएफ में साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देने वाले फर्जी सिम कार्ड गिरोह का खुलासा किया है, जिसके पास से 2000 सिम बरामद हुई है। इसके साथ ही 20,000 सिम कार्ड विदेश भेजे जा चुके हैं। दरअसल ये गिरोह सरकारी योजनाओं के नाम पर सिम कार्ड को एक्टिवेट करता था, जिसके जरिए तरह तरह की साइबर की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने का कहना है कि पूरे मामले में देश भर में 35 एफआईआर दर्ज कराई गई है। उत्तराखंड में भी 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, चीन के साथ अन्य देशों में बैठे साइबर क्रिमिनल इन्हीं सिम कार्ड के जरिए घटनाओं को अंजाम देते थे। बता दें कि एसटीएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले एक मास्टरमाइंड साइबर अपराधी को थाना मंगलौर क्षेत्र हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मास्टरमाइंड आरोपी द्वारा अब तक 20,000 से ज्यादा सिम कार्ड को एक्टिवेट फर्जी तरीके से दक्षिण एशियाई देशों थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार आदि देशों के अलावा भारत के कई राज्यों के साइबर ठगों को उपलब्ध कराया गया था। इसके आगे आरोपी ने बताया कि उसके घर घर जाकर कई महिलाओं को फर्जी सरकारी स्कीम का लालच देकर उनके आधार कार्ड और बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा निशानी लेकर फर्जी तरीके से हजारों सिम कार्ड्स को एक्टिवेट किया गया था। इसके तहत ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 1816 सिम कार्ड, 2 चेकबुक समेत 5 मोबाइल फोन और 2 बायोमेट्रिक डिवाइस जब्त की गई है। इसके तहत ही पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने ने जनता से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार के लोक लुभावने अवसरों के प्रलोभन में न आए और किसी भी तरह की वित्तीय साइबर अपराध घटित होने पर तुरंत 1930 नंबर पर संपर्क करें। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। ये जो है आज हमने 2000 से ज्यादा जो है सिम कार्ड इनसे बरामद किए और 20,000 से ज्यादा पहले ही ये जो है एक्टिवेट हो चुके हैं। तो ये सारे नंबर्स जो है अभी ऑलरेडी चल रहे हैं जिनके माध्यम से साइबर ठगी हो सकता कहीं हो रही हो, तो हमको जो है इसमें बहुत चौकन्ना रहना है। जनता से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे जो है यदि आपके पास कोई आता है और कहता है कि हम आपका जो है वो बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं, कोई वो ये बोल के लेते हैं कि हम कोई स्कीम में आपको फायदा दिला देंगे होली वाली जनता से, तो कोई आपका आपका बायोमेट्रिक्स किसी से शेयर न करे, आधार नंबर किसी से शेयर न करे। और जो है ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड्स हो रहे हैं ज्यादातर, तो ये आपको प्रलोभन देते हैं। इस केस में भी जो है पहले इनके खाते में जो है 10,000 डाला तो 23,000 आ गए थे इनके खाते में, इनको लगा तुरंत डबल हो गया पैसा। फिर उन्होंने कहा कि अब आपको मिनिमम जो है इसमें 50,000 डालने पड़ेंगे। फिर कहा कि अब आपको पैसे निकालने के लिए 1,00,000 डालने पड़ेंगे। तो इस तरह पहले प्रलोभन देते हैं, फिर आपसे ज्यादा जितना पॉसिबल हो ज्यादा ज्यादा पैसा लेते, जब आप नहीं दे सकते तो आपको बंद कर देते और ब्लॉक कर देते। तो इसलिए कोई भी ऐसे अनजान जो है ऐसे ट्रेडिंग ऐप इन्वेस्टमेंट इनसे अनजान लोग अनजान लिंक अनजान नंबर इनसे जो है आप सतर्क रहे, दूर रहे और कोई भी लालच में ना पड़े।